तत्त्वमहं न जाने राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। सभी को राम राम। स्वागत है मैंने कांडिनी फिल्म के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ प्रनील। तो आज हम सातवीं तिथि में प्रवेश कर चुके हैं बृहस्पतिवार। कल अंतिम रात्रि अष्टमी तिथि है। तो आज सप्तमी तिथि बृहस्पतिवार को हम देखें कि दशम स्कंद के पूर्वार्ध में, इसकी कल अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था और उसका अर्थ रह गया था। तो आज हम वहीं से हम आरंभ करते हैं कथा। कंस यहाँ जान कर कि पहले जन्म में वह काल नेमी था और विष्णु के हाथ से मारा गया था, यादवों से विरोध करने लगा। तो कंस, आप जानते हैं, जब नारद जी को देखा, समझने लगा कि विष्णु, ये सभी देवकी के पुत्र विष्णु हैं और रहेंगे, इसीलिए नारद आया है और अपना जो पिछले जन्म का, उसको याद आया कि वो कालनेमी था और श्री हरि विष्णु जी के हाथ से वो मारा गया था। और जैसे कि फैमिली ट्री मैंने रखा था, यादव वंश श्री कृष्ण जी, उन वंशज से वह अति घृणा करने लगे। अपने पिता उग्रसेन को, जो कि यादवों, अंधकों एवं भोजवंशियों के राजा थे, कैद पर स्वयं शूरसेन देश का राजा बन बैठा। अपने ही पिता को कारागार में बंद करके अपने आप को राजा बन गया। प्रथम अध्याय का सार श्री सुखदेव जी हमको सुनाते हैं कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से श्री कृष्ण की पूरी सरस लीलाओं को सुनाने की प्रार्थना की। इससे सुखदेव जी परम प्रसन्न हुए क्योंकि वे महाभागवत थे और श्री कृष्ण जी की चर्चा में उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। पहले तो उन्होंने परीक्षित को उनके इस प्रश्न के लिए बड़ा धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभ की किस तरह दैत्यों के भोज से पीड़ित पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई, किस तरह ब्रह्मा ने विष्णु के पास जाकर आकाशवाणी सुना और उसके आदेश से किस तरह देवगणों ने यदु आदि वंशों में अवतार लिया और उन दिनों उग्रसेन की राजधानी मथुरा थी, उनके पुत्र का नाम कंस था। एक समय वासुदेव जी अपना नवविवाहित पत्नी देवकी को रथ पर बैठाए हुए लौटते थे और बहन के स्नेह में कंस ने स्वयं रथ हाँकना शुरू कर दिया और उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिसके साथ रथ हाँक रहे हो उसी का आठवां संतान तुझे मार डालेगी। वहाँ सुनते ही वह देवकी को मारने की तैयारी करने लगा और वासुदेव ने बहुत समझाया, पर यह बतलाने पर कि आपको डर देवकी से नहीं किंतु उसके पुत्रों से है, अतः इसे मत मारो, बच्चों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, कंस मान गया। जब वासुदेव को संतान हुई तो उन्होंने अपने वचन के अनुसार उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने निर्दयता के साथ बच्चों को मारना शुरू कर दिया, देवकी तथा वासुदेव को कैद कर लिया, स्वयं अपने पिता उग्रसेन को कैद करके शूरसेन देश का राज्य करने लगा। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। एक बार बोलिए, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। अतः द्वितीयो अध्याय, योग माया का देवी के सातवें गर्भ।
को रोहिणी के गर्भ में डाल और भगवान का देवकी के गर्भ में आना। श्री सुखदेव उवाच प्रलम्बा बका चानूर तृष्णावृत महाशयन मुष्टिकरिष्ठ दिव्य विद्यपूतना के शिष्य धेनुक है अन्न या शुचासुरा भूपा लयवर्मा भाण भौमादिभियुक्त विदुन कंदम चक्रेवली मागध संश्रया ते पंडिता निवि विशु कुरुपंचा लके कायान शल्ववान विदर्भान निषादनिन विदेहान को सरानपी ही। अर्थात श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, महापराक्रमी कंस ने प्रलम्भ बकचानूर त्रिणावत अघासुर मुष्टिक अरिष्टिक द्विविध पूतना केशी धेनुक यवंगा बानासुर तथा भौसासुर जैसे असुर राजाओं के साथ साथ जरासंध का परश्य पाकर यदुवंशियों का विनाश करना आरंभ कर दिया। वे लोग कंस के सताए जाने पर कुरु पांचाल केकई शल्व विदर्भ निषद विदेह और कोसल आदि देशों में भाग गए। तो ये जो सब थे जो श्री कृष्ण जी को मारने आते थे, तो ये लोग खुद अपने आप कंस के सताए जाने पर ये अलग अलग देश के भारत देश के इलाकों में वो जाकर छुप जाते थे और छुप गए। आगे श्लोक आता है कि एकै तन्मुर धुरंधाना ज्ञात्यहा पर्युपाप्सते हतेषु षट्षु बालेषु देवक्या औग्रस्य नेनहा सप्तमो वैष्णव धाम यम नंत प्रचक्षते गर्भो भूतव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनाः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसंजह भयम् यदूनः जिनाथानः योगमायां समादिशितः गच्छु देवी व्रजे गोपको भिरलंकृतम् रोहिणी वासुदेवस्या भर्यास्ते नंदगोकुले अन्याशय कंसन विघ्नः विव रेषु वसन्तः हि। फिर अर्थात आता है कि कुछ लोग ऊपरी मन से उसकी सेवा में लग गए, परंतु जब कंस ने एक एक कर देवकी के 6 पुत्र को मार डाला, तब सातवीं बार भगवान शेषनाग देवकी के गर्भ में आए। तो ये जो है शेषनाग जी वो बलराम जी है। तो अब कंस क्या हुआ, कंस ने 6 पुत्र को मार दिया और सातवां पुत्र शेषनाग अवतार देवकी जी के गर्भ में आए, जिससे देवकी को हर्ष और शोक दोनों हुआ। भगवान ने असहाय यदुवंशियों का कंस से प्राप्त भय देखकर अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम गोपियों के से भरे व्रज को जाओ, वहां नंद के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है। वासुदेव की पत्नियां कंस के भय से इधर उधर छुप गई। तो वासुदेव जी जो श्री कृष्ण जी के पिता है, उनकी जो आप सुने पहले सुना कि और भी पत्नियां थी, तो वो जगह जगह पर वो भी जाकर छिप गए हुए आनंद के गोकुल में। रोहिणी वहाँ वहाँ पर रहती थी। आगे श्लोक है कि देव कन्या जठरे गर्भ शेषाख्याम धाम माम कम तस् निकृषे रोहिणिया उदरे सन्निवेश है अथा मंशभो भागेन देवक्यः पुत्राणां शुभे प्राप्से समित्वं यशोदाया नंदपत्न्या भविष्यसिह अर्चिष्यन्ति हि मनुष्यान् स्वन्तः कर्वा सर्व कामवारेश्वरी महाधूप पहार बलिमिहि वि सर्व काम वर प्रदानम। अर्थात देवकी के सातवें गर्भ में शेष नामक मेरा तेज है, उसे अपनी शक्ति को से आकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में डाल देना। तो भगवान बता रहे हैं ये योग माया उसको कि योग माया तुम जो शेष अवतार गर्भ अभी सातवा गर्भ देवकी का है, उसको देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में आप प्रस्तुत उधर आप कर दो। मैं भी पूर्ण काल से देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम
नंद की पत्नी यशोदा, जहाँ नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना, फिर योग माया को या बताते हैं भगवान। तुम भक्तों को मनवांछित फल दोगी, इसलिए धूप दीप आदि के द्वारा वे तुम्हें अर्चना करेंगे। आगे श्लोक आता है कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानाचि च नरा भुविहा दुर्गेति भद्रकालीति विज्ये वैष्णवीति चा कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति चा माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति चा गर्भसंरक्षणातः वै प्राहुवा संरक्षक नमं भुवि रामेति लोकरमाणान्द बलम्ब बल वदुश्च यातः। अर्थात तुम्हें लोग दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमिदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा और अंबिका नामों से पुकारेंगे। विंध्याचल एवं कामरूप आदि तुम्हारे धाम होंगे। गर्भ के खींचे जाने के कारण वह बालक संकर्षण संसार को आनंदित करने के कारण राम और महाबली होने के कारण बलराम, तो बलराम जी ऐसा उसका नाम पड़ा, जो देवकी जी के साथ वगर पे। फिर श्लोक आता है संदिष्टे वह भगवता यथेत्यो मिति तद्वच्चा प्रतिगृहाय परिक्रमण्यः गातं गता तत्तथा करोतः गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी योग निद्रा अहो बिरंत्र सितो गर्व इति पौरा विचुक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरा अविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुंभय। अर्थात भगवान ने के संदेश को सहर्ष स्वीकार कर योग माया पृथ्वी पर उतरी और वैसा ही किया जैसा कि भगवान ने कहा था। जब योग माया ने देवी का गर्भ रोहिणी में स्थापित कर दिया, तब नगरवासियों को यह हल्ला मच गया कि देवकी का गर्भ गिर गया है। इसके बाद भक्त भयहारी विश्वात्मा भगवान संपूर्ण कला से वासुदेव के अंतःकरण में आविष्ट हो गए। तो जब योग माया ने बलराम जी का जो गर्भ था, जो बलराम जी स्वयं देवकी के गर्भ में थे, उसको निकाल कर वहाँ रोहिणी के गर्भ में कर दिया और स्वयं जो योग माया है वो माँ यशोदा के गर्भ में जाती है, तो यहाँ पर देवकी माँ का जो गर्भ है वो खाली हो गया। तो लोग सोचने लगे कि उनका गर्भ गिर गया। तो उस समय भगवान जो यहाँ पर है कि लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि इसके बाद भक्त भयहारी विश्वात्मा भगवान संपूर्ण कला से वासुदेव के अंतःकरण में आविष्ट हो गए। तो भगवान की शक्ति जो है वो वासुदेव जी में आ गया। साभिभ्रांते पौरुषम धाम भ्राजमान्यो तथा रवि दुरास्दो आति दूरध्व श्रो भूतानां संभूवः तत्यो जगन्मंगल मच्चितां शम समाहितं शूरसे शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मक मात्मभूतं काष्ठा यथा नंदकरं मंस्तः सा देवकी सर्वज्ञ गन्निवास निवास भूता निरंतरः नारजे भोजेन्द्र गेहे गिनिशि खेवरुद्ध द्वहा सरस्वती ज्ञान खले यथा सति। अर्थात उसके के तेज के धारण करते ही वासुदेव की कांति सूर्य सी हो गई। कोई भी प्राणी इनके ओर ताक नहीं सकता था। जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण कर लेती है, उसी तरह देवकी ने वासुदेव जी के आंखों से आंख मिलाकर उस तेज को धारण किया। मैं फिर से पढ़ता हूँ प्यार श्रोतागण। तो जो तेज वासुदेव जी के अंदर आ गया था, उस तेज के धारण करते ही वासुदेव जी की कांति सूर्य सी होगी। वो सूर्य जैसा वो
चमकने लगा और कोई भी प्राणी इसके ओर अब वो देख नहीं सकते थे। और जैसे ही चंद्रमा जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करता है, उसी तरह देवकी ने वासुदेव के आँख से आँख मिलाया देवकी ने वासुदेव जी के आँख से आँख मिलाया और वह जो तेज वासुदेव में था उस तेज को आँखों से लिया। जैसे किसी धूर्त के पास पड़ी विद्या से लोक का लाभ नहीं होता, तो श्री सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं कि जैसे विद्या किसी के पास अगर पड़ी हो उसको बांटा नहीं जाए तो उसका कुछ असर नहीं होता, वैसे ही पत्थर की दीवारों से घिरी अग्नि का प्रकाश बाहर नहीं फैलता। उसी तरह कंस के कारागार में अवरुद्ध रहने के नाते देवकी से बाहर के लोगों को सुख नहीं मिला, अकेले ही उसने उसका रसा स्वादन किया। तो अब जैसे जो गर्भवती स्त्री होती है वैसे आमतौर पर, तो वो सुख महसूस करने लगती है कि हाँ हमारे अब एक नया संतान आने वाला है। वो तेज, वो चमक, वो प्रसन्नता तो एक गर्भवती स्त्री में उसमें तो होता ही, और यहाँ पर साक्षात भगवान देवकी माँ के गर्भ में है तो उसको ऐसा भगवान ने किया कि वो कारागार में है और किसी लोग से वह मिल नहीं सकती, तो ये सुख है। माँ देवकी अकेले ही वो उसका आनंद पूरा ले रही, क्योंकि अब क्या होगा कि जब कल अवतार होगा, जन्म होगा, फिर उसके बाद तो गोकुल चले जाएंगे श्री कृष्ण जी, जब बड़े होंगे तब वो लौट के आएंगे, तो माँ का सुख तो फिर उसको मिलेगा नहीं देवकी माँ को। तो ये जो गर्भ रहेगा 8-9-10 महीने, तो उसका जो आनंद है देवकी माँ अकेले ही लेंगे। आगे श्लोक आता है, ता विक्षह कंसः प्रव्याजितान्तरामा विरोचयन्ति हि भवना शुचेसीं तामः आहैषे मे प्राणहरो हरिं गुहां ध्रुवं श्रुतो यन्न पुरेय मे दर्शहि किं दया तस्मनः करणीयमाशुहै मे यदर्थ तन्नो न विहन्ति विक्रमा स्त्रियः स्वसुर गुरुमत्यः विधोयंश यशाक्षिः हन्ते नुकाल मायवः स यश्च जीवं खलेव संपरेतो वत्रेतः योत्यन् त्रुषन् सितेनः देहे मृते तं मनुजः शपन्ति गन्तः तमोऽङ्गधम् तनुमानि वे ध्रुवम इति घोरत्माद्भावास् निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षन्सत तो जन्म हरे वैरवा नुबंध कृतः। अर्थात कंस ने जब देवकी की इस तेजस्विता को देखा तो उसे निश्चय कर लिया कि अवश्य मेरे प्राणों को हरने वाला विष्णु इसके गर्भ में आ गया है। तो जैसे मैंने कहा ना, जो आमतौर पर स्त्रियां गर्भवती होती तो उनमें एक तेज आ जाता है, और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं कि तेज इतना बड़ा है देवकी का कि जैसे मानो सूर्य है, और कंस देखते ही देवकी को जान जाता है कि मेरा काल तो आ गया, क्योंकि इसके पहले देवकी में ऐसा तेज नहीं था। कंस सोचने लगा कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मुझे कोई कलंक भी नहीं हो और मैं बच जाऊं। इस समय देवकी की हत्या करूंगा तो स्त्री जाति बहन यौवन गर्भिणी होने के नाते शीघ्र ही मेरा कीर्ति और आयु का नाश हो जाएगा। वो इतना मूर्ख है कि वो एक गर्भवती स्त्री अपने बहन को मारने की सोच रहा है। नरशंसता करने वाला व्यक्ति जीवित रहते भी मृतक के समान है। जब तक उसकी देह है तब तक लोग निंदा करते हैं और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। भगवान से वैर भाव रखने वाला कंस इस तरह सोच विचार कर देवकी की हत्या से विरत हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि ना ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे श्लोक आता है कि आसीनः सन्विशन् स्थितः षडन्न भुवन् जानः परटन्न महीमः चिन्तयतानो हर्षिकेशमप शन्मयम् जगत् ब्रह्मः भवश्च तन्नयत्या मुनिभिर्नार दादिभिः देवेः सानुचरैः शाङ्कः गिभिर्
गीर भई विरशन मैडन्य सत्व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योगिनम निहितम च सत्ये सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यामकम त्वम शरणम प्रपन्नः। अर्थात बैठते उठते सोते चलते फिरते एवं खाते ही वही श्री कृष्ण के बारे में सोचता, अतः सारा संसार उसके लिए कृष्णमय हो गया। तो कंस का भी देखिए, जैसे रावण का था, उसने भले ही श्री राम ने उसका संहार किया था लेकिन उसको परम गति मिला था, उसी प्रकार कंस भी है। भले ही अपने वो डर से कृष्ण को सोच रहा है लेकिन अब सोच तो रहा है, अब जो कुछ वो करता है 24/7 वो श्री कृष्ण के बारे में, श्री हरि के बारे में सोच रहा है। नारद आदि मुनियों के साथ भगवान ब्रह्मा और शंकर देवकी के पास आए और रमणीय वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। तो नारद जी, शिव शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी अब यहाँ पर आते हैं वासुदेव देवकी के पास और श्री हरि जो गर्भ में वास कर रहे हैं उनको प्रणाम स्तुति करते हैं। हे भगवान, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि स्थित तथा प्रलय में विद्यमान रहते हैं, पंच भौतिक जगत का आप ही सृजन करते हो, आप अंतर्यामी हैं, आप ही परमार्थिक सत्य है, मीठी सत्यवाणी एवं समदर्शिता के आप प्रवर्तक है, इस तरह से आप बिल्कुल सत्यमय हैं, हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे श्लोक आता है कि एकाय नो वह सौ द्विफल ऋस्त्र मूलश चैतूरस पंच विद्या षडात्म सप्त तव गष्ट विट्टपो नवाक्षो दश च दीहि दीक्षो द्वि वृषहात्मेक सत प्रसूति स्तवन्हा सन्निधानम त्वमन्हु ग्रह हर्ष है त्वन्न माया संवत्तचेत संस्थाना पश्यन्ति ही नाना न विपिक्षतो तो यह बीभरिषि रूपाण व बोध आत्मा क्षयमहु लोकस्य चरा चरसे सतो प नानि सुखा वाहानि सताम भद्राणी मुहा खला नाम। अर्थात हम लोग एक एक लोक के अधिपति अवश्य हैं परंतु यह सारा आधिपत्य आपका ही प्रसाद है। सच पूछिए तो आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और महेश जी और नारद जी ये बतलाते हैं कि हम भले ही अपने अपने जगह श्रेष्ठ हैं, हम अपने अपने लोक हमारा है लेकिन आप तो सब कुछ पूरे जगत के आप हो। इस संसार वृक्ष का प्रकृति ही एक आश्रय है, सुख और दुख ये दो इसके फल हैं। सत्व रज तम ही यह तीन गुण इसके जड़ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष या चार रस हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया इसके ज्ञान से सधन है, छह उर्मिया इसके स्वभाव, सात धातुएं इसके छाल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह आठ शाखाएं हैं, नौ इंद्रियां इसके छिद्र है, दश प्राण इसके पत्ते हैं और इस पर जीवात्मा तथा परमात्मा दो पक्षी रहते हैं। इस संसार वृक्ष में तुम उद्भावक पालक एवं संहारक हो, इन तीन कर्मों का तुम ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धर कर करते हो, अतः अज्ञानियों में भ्रम हो जाता है कि तुम अनेक हो, किंतु विद्वान तो उस अनेक भी एकता का दर्शन करते हैं। अखंड ज्ञान स्वरूप तुम अग जग के कल्याण के लिए अजन्मा होते हुए भी मंगलमय विग्रह को धारण करते हो, जो सच्चिदानंदमय होता है और जिससे पापियों को संताप एवं पुण्य आत्माओं को सुख मिलता है। तो सब तरफ से नारद जी हैं, ब्रह्मा जी, शिव शंकर जी, भगवान, अब सब तरफ से भगवान श्री हरि जिनका जो गर्भ है वह माँ देवकी में आ गया, उनकी स्तुति करते हैं। सब तरफ से बताते हैं कि सब कुछ आप हो। और जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, पूरा विश्व काल सब कुछ जो है वो मैं ही हूँ। फिर श्लोक आता है त्वयायहयम्बु
जाक्षाखिल सत्वहा धामनिया समाधिना विशेत चेतस कहे त्वत पादपो तेनहा महत क्री तेन कुर्वन्ति ही गोवस् स्पंध भवावधी महासम समुतिय सुदस्तरम दयुमना भावारणाम भवः भीम मद्र भद्रसौ दहा भवत्तपदाम्भो उर्हणा वा मात्रते निधायातः सदनुग्रहो भवानः येन्ये रविन्द दाक्षः वि मुक्तमानि नस्त्वहायस्त भावाद विशूद ध बुद्धधयः आरुहो हयः कृत् छेन परम पदम तत्तम पदंत्य धो नादृत्त युष्म दंग्रह यहा। अर्थात इस तरह जब तुम मोहक रूप धारण करके अवतार लेते हो तो बहुतों को तुम्हारे ध्यान से सुविधा मिलती है, तुम्हारे सौंदर्य में उनका चित्त आप ही उलझ जाता है, उन्हें सहज ही समाधि लग जाती है और आपके चरण कमलों की नौका से संसार सागर को पार कर जाते हैं। इस तरह आप अवतार धर उस समय को लोगों को अपनी रूपष्टा और आकृष्ट कर सदा के लिए अपना लेते हो और बाद में हम बालकों के कल्याण के लिए आपका वह भक्ति संप्रदाय बच जाता है जिससे भक्त लोग स्वयं इस सागर को तार कर इस नौका को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि और लोग भी तर जाएं। भक्त लोग परोपकारी हो जाते हैं। जो लोग तुम में भाव भक्ति ना रख स्वतः मुक्त होने का दावा करते हैं वे बेचारे पतित हो जाते हैं, इसलिए कि भक्ति के बिना तो उनकी बुद्धि शुद्ध रहती नहीं। फिर श्लोक आता है, तथा नाते माधव तावक क्वचिद भ्रशयन्ति हि मार्गात वै बद्धसौद्यहात्वायः भीगुप्तः विचरन्ति निर्भया विना क्यकानि कं मूर्धसु प्रभो सत्वं वशुदं महाशयते भवानः स्थितैर्तो शरीरिणां श्रेष्य उपायं विपुः वेदक्रियाया योग तपः समाधिभिः सत् वारहम येन जना समीहते। अर्थात किंतु हे प्रभु, जो लोग आप में अपना अपमान पूंजीभूत कर लेते हैं वे आपसे रक्षित होकर कभी नहीं फिसलते हैं बल्कि निर्भय होकर विघ्नराज को अपनी पराजित कर उठते हैं। बस आपका अवतार आपकी दया की ही देन है। आप उस विशुद्ध विग्रह को धारण करते हैं कि जिससे लोगों को आपकी प्राप्ति की सुविधा हो, तभी वे वेद शुभ कर्मों के अनुष्ठान तपस्या समाधि आदि के साधनों से तुम्हें पाने के लिए तात्पर्य होते। तो नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव शंकर जी फिर भगवान की स्तुति करते हैं, सभी तरह से भगवान की प्रशंसा करते हैं, बताते हैं कि आप वैसे तो सब कुछ आप हो तो आपको यह लीला भी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप यह लीला करते हो ताकि जो मनुष्य मात्र है आप उनमें रहकर उनको सही मार्ग दिखाओ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब पाप बढ़ जाता है तब पृथ्वी जो है गौ रूपी धर कर वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और पाप को मिटाने के लिए ही श्री हमारे श्री कृष्ण जी वो श्री हरि जी वह अवतार लेकर यहाँ पर धरती में आ रहे हैं, बस आने वाले हैं, कल उनका अवतार होने वाला है। तो अवतार लेकर हम मनुष्य मात्र के बीच में रहकर और उस समय जो था द्वापर युग में पाप इतना बढ़ गया था, पाप को मिटाने के लिए वहाँ आते हैं और हम मनुष्य मात्र जो अभी कथा कर रहे हैं जगह जगह पर बहुत अच्छा लग रहा है, दुनिया के सभी कोने में कथा हो रहा है, भगवान की हम कथा करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, श्लोक करते हैं कि हम भगवान के निकट आए, उनका जो लीला है उनकी उनका जो जो चरित्र उन्होंने यहाँ पर किया
उनका हम आनंद ले सके, हम भगवान के निकट आ सके, इसीलिए किया जाता है। और ये सब किया जाता है मंत्र जो है मन को बचाने वाला, हम अपने आप को इसी तरह से हम तर पाएंगे। प्रिय श्रोतागण, अंतिम श्लोक हम श्रवण करते हैं। सत्तम ना चेधा धातरिदिम हानिजम भवेद्वे ज्ञानमा ज्ञान भिदापहा मार्जनम गुण प्रकाशौर नुभीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणाः। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। प्यारे श्रोतागण, इसका अर्थात सहित हम कल श्रवण करेंगे। और कल आज थोड़ा तैयारी कम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके समक्ष हम कथा में कथा को लाएं। ये कथा प्रथम तौर पर हम अपने आप के लिए करते हैं, अपने मन के लिए, मन की शांति के लिए और भगवान के निकट आने के लिए, उनकी लीलाओं को हम एक्सपीरियंस कर सकें, उनका भाव हम ले सकें, उसलिए किया जाता है। तो फिर भी मैंने किया, कोशिश किया आज, और आप लोग भी सभी जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग देख रहे हैं। आप लाइक शेयर भी कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि ये जो कथा है और लोगों तक पहुँच सके। तो मैंने सोचा आज भी हम भले तैयारी कम है, हम उपस्थित होते हैं अपने लिए और आपके लिए भी, और हमारे श्रीहरि की लीलाओं को हम, उनका भाव आनंद हम उठा सके, उसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। और कल जबकि अष्टमी तिथि है, कल अवतार अवतरित होंगे श्रीहरि भगवान, तो पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि लाइव आने का, तो हम यह पूर्ण प्रयास करेंगे। बाकी सब हम अपने भगवान के हाथों में हम छोड़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण।